लेकिन साथियों ये आजादी वो आजादी नहीं है, जिस आजादी का जिक्र जो है, जो आजादी के शहीद हुए, आजादी दिलाने के लिए जो लोग शहीद हुए, तो जो आजादी के दीवाने थे, जिन्होंने आजादी के इस आंदोलन को लड़ा, बलिदान दिया, तो उन्होंने एक अच्छे देश की कल्पना की। जैसे मैंने कहा कि 75वां आजादी का दिन हम लोग मनाएंगे, लेकिन आजादी मिली कहाँ है और किस चीज से आजादी? बस गौर अंग्रेज चले गए, सत्ता उन लोगों के हाथ में चली आई जिन्होंने ऐसा कुछ करना ही नहीं था कि जिस वास्तविक आजादी का एहसास देश की जनता कर पाती। क्या महिलाओं को इस देश में आजादी मिली? और अगर मिली होती तो क्या आज भी छोटे छोटे बच्चों का रेप होता, उनकी हत्याएं होती? कि आज भी महिलाएं देश के किसी कोने में रात में घूम सकती हैं? क्या गरीबी अमीरी में अंतर हुआ? जो अंतर था वो खत्म हुआ? आज भी गरीब सुबह उठता है तो उसके उसके मन में एक ही सवाल रहता है कि आज के परिवार का भोजन, उसका भोजन कैसे तैयार होगा? उसके लिए उसको मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। जो गैर बराबरी तब थी, आज भी वो बड़े पैमाने पे कायम। क्या किसानों को आजादी मिली? वो अपनी फसल को अपने दाम पे नहीं बेच सकते हैं? क्या नौजवानों को आजादी मिली? अच्छी शिक्षा की, रोजगार की? क्या वंचित वर्ग के लोगों को आजादी मिली? आज भी उनका जीवन, आज भी जिस देश में आजादी के इतने दिन बाद, संविधान लागू होने के इतने दिन बाद, 84 करोड़ लोग सस्ते भोजन पर डिपेंड हो कि उनको सस्ता राशन सरकार देती है, तो समझिए उस देश की तरक्की में कितना काम हुआ। क्या आज भी छुआछूत खत्म हुआ? गैर बराबरी खत्म हुई? जाति का अहंकार खत्म हुआ? जाति के नाम पे उत्पीड़न खत्म हुआ? तो कैसी आजादी? आजादी का मतलब ये नहीं कि भारत जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। आजादी तो वो जो देश के अंतिम व्यक्ति को भी वो विश्वास, वो समान अधिकार और वो अवसर प्रदान करे जिसके बाद देश तरक्की की राह पर चले। क्या होता है देश प्रेम? देशभक्ति के नारे लगाना या एक दिन देश के आजादी का जश्न मनाना, पटाखे फोड़ना, नाचना, इसको आप आजादी समझते हैं? ये आजादी नहीं है। ये तो हम लोगों ने अपने मन में एक दिन का अवसर बनाया कि हम लोग खुश हो जाएं। और क्या इस एक दिन के बाद पूरे एक साल हम लोग क्या देश के बारे में सोचेंगे? देश की तरक्की के बारे में, देश में जो समस्या है उनके निवारण के बारे में, देश के सम्मान के बारे में? बाकी दिन हम लोग क्या करने वाले? क्या कभी नौजवान ये एहसास करते हैं कि जिस तरह से पूरे देश की बदनामी दुनिया में हो रही है, और ये बदनामी के कारण जो है आपसे छिपे नहीं है, बहुत सारे कारण तो आप जानते हैं कि किस तरह सरकारें झूठ बोलते हैं, किस तरह सरकारें जो हैं उनकी नीतियां। तो मैं ये समझता हूं कि ये वास्तविक आजादी नहीं। अभी आजादी हमसे कोसों दूर, और आजादी मांगने से नहीं मिलती है, आजादी जो है वो छीननी पड़ती है। आजादी मन से, आजादी सोच से, आजादी बुराइयों से, और गुलामी से भी आजादी। मैं बहुजन समाज की बात करता हूं। बहुजन समाज तो आज भी बेबस है, लाचार। देश की महिलाएं आज भी लाचार। जब दिल्ली जैसी जगह में 10 दिन के अंदर दो दो रेप होते हैं बच्चियों के, तो ये कैसी आजादी? तिरंगा झंडा हाथ में लेके उसको फहराने से आजादी नहीं आती है, उस तिरंगे का सम्मान भी करना पड़ता है। क्या नेताओं के नजरों में उस तिरंगे का सम्मान है? अगर सम्मान होता तो देश के किसान जो है वो 8 महीने से अपने ही देश में सड़कों पे ना पड़े होते। हमने फैसला लिया था कि कल हम लोग के का पूरा दिन, जहां आजादी के दिन एक बड़ा समाज जो है, जो अन्नदाता देश की रीढ़ है, वो सड़कों पर है,
पिछले 8 महीने ज्यादा समय से आंदोलन कर रहा, तो हमारी आजादी का जश्न मनाना वो धोखा होगा उन किसानों से। हमने फैसला लिया था कि हम जाएंगे और कल पूरे दिन किसानों के बीच रहेंगे, लेकिन निकम्मी और तानाशाही सरकार उत्तर प्रदेश की इतना डर गई कि पूरा एरिया सील कर दिया। और बुरा ये हुआ कि अभी मुझे किसानों ने बताया कि यहाँ की बिजली काट दी है, क्योंकि तय ये हुआ था कि सिर्फ जाके कुछ घंटे वहां बिता के नहीं आने, उनका जो जीवन जिस जीवन को वो जी रहे हैं, परिवार से दूर और तमाम तरह से, वो धरती पे खुले आसमान में लेकर क्या सोचते हैं, रात उनकी कैसे कटती, ये तय हुआ था कि आज 12 बजे जो है आजादी का जश्न वही किसानों के बीच मनेगा और आज रात वही रहा जाएगा और कल सुबह, कल पूरा दिन भी जो है किसानों के बीच रहकर इनका जीवन जिया जाएगा। लेकिन निकम्मी सरकार से बर्दाश्त नहीं हुआ, उनकी बिजली काट दी है, बैरिकेडिंग लगा दी है, वहां जाने वाले आदमी की आईडी देखी जा रही है किसान है या नहीं। और मैं आप कह रहे हैं कि आजादी का जश्न, कैसा जश्न, अपने देश में आंदोलनकारियों के बीच जाने के लिए किस तरह की जो है परमिशन की जरूरत, कौन सी आजादी है ये कि लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं। उनकी बिजली काट दी जाएगी, ये देश तो आजाद आंदोलन से हुआ था, इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे लोगों ने शहादतें दी। हम सब जानते हैं कि मंडल कमीशन के लिए माननीय काशीराम साहब ने 45 दिन बोट क्लब पे धरना दिया और जेल भरो आंदोलन चलाया। हम तो उन्हीं के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए जेल जाना पड़े तो पीछे मत हटो, लेकिन अगर आप सरकार में ना, आप विधानसभा और संसद में बहुमत में ना हो तो सड़कों पे बहुमत में रहो। तो हमने तो उन्हीं से सीखा, अपने गुरु अपने महापुरुष से। तो कल का जो आंदोलन है, कल का जो आजादी का जश्न मनाने का, वो जो किसानों को गुलाम करने की साजिश यहां की जा रही है, वो किसान विरोधी कानून लाके उन कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसमें सहयोग कर आजादी का जश्न मनाने का जो तय हुआ था प्रोग्राम वो अभी रोक दिया गया है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं, मेरी चेतावनी है सरकार को कि किसानों की बिजली ना काटी जाए और किसानों को परेशान ना किया जाए। देश का अन्नदाता, उसको गुलाम बनाने की साजिश, उसके पैरों में बेड़ा डालने की साजिश, उसको गुलाम बना के और बेबस कर देने की साजिश जो आपने की है, वो तो उसके लिए तो किसान आंदोलन में है ही, लेकिन आप ये भी समझ लें कि देश की जनता का पूरा सहयोग है किसान को, देश का अन्नदाता, देश की रीढ़ है, हम अपनी रीढ़ को कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन मैं साथियों को सूचित करना चाहता हूं, अग्रिम आदेश तक कल का जो प्रोग्राम था गाजीपुर बॉर्डर का वो भी रोक दिया गया है और मैं लगातार संपर्क में हूं, अगर किसानों के साथ सरकार कोई किसी भी तरह की जाति या कोई अन्याय करती है तो चाहे कुछ भी हो जाए ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हम लोग किसानों के साथ खड़े रहेंगे। और मैं देश के अन्नदाता को नमन भी करता हूं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को, राजनीतिक दलों को और सब लोगों को लड़ना सिखा दिया कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है और जालिम सरकार से भी कोई टकरा सकता है। वो कहावत है ना, वो शायरी जो है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला रखना चाहिए। मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी और सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।